हेलो प्यारे बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा चौथी की बुक, इंग्लिश की बुक है, जिसका लेसन 8 है, कल्पना चावला द स्टार। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक्टिविटी फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। जो ये प्रश्न दिए गए हैं नीचे, इनके हमें आंसर लिखना है, जो कि हमें एक या दो सेंटेंस में लिखना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, वेन एंड वेयर। वेन यानी होता है बच्चों कब, एंड वेयर यानी कहाँ। वाच कल्पना चावला वोन, वोन यानी होता है बच्चों जन्म। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो चलिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है। तो बच्चों, इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, सी वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई या 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। यानी कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई को 1961 में हुआ, और कहाँ हुआ? कर्नल या कारनाल हरियाणा में हुआ। सेकंड है बच्चों, व्हाट वर हर हॉबीज। व्हाट याने क्या, वर याने थी, हर याने उसकी, हॉबीज याने शौक। यानी कि जो कल्पना चावला थे, उनके क्या शौक थे? तो बच्चों, इसका आंसर है हर हॉबीज वर रीडिंग। देखो बच्चों, रीड याने पढ़ना होता है ना, तो उनकी हॉबी क्या थी? पढ़ना थी। फ्लाइंग याने उड़ना, एंड वर्ड वाचिंग, वाच याने होता है बच्चों किसी चीज़ को देखना, ठीक है, एक निगाह से देखना, मतलब देखते रहना। तो उनको पक्षियों को देखना बहुत पसंद था, उड़ना बहुत पसंद था, और पढ़ना बहुत पसंद था। किनको? कल्पना चावला को। थर्ड क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। यानी कि वह कौन से इंस्पायर हुई उड़ने के लिए, वह कौन से इंस्पायर हुई? तो बच्चों, इसका आंसर है द इंडियन पायलट। यानी कि जो भारतीय पायलट थे, JRD, कौन? JRD, टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। यानी कि जो भारतीय पायलट थे, टाटा, JRD टाटा, उनसे यह इंस्पायर हुई। किस लिए? उड़ने के लिए। इन्होंने बोला मैं भी अब उड़ूंगी। वेन डिड सी फर्स्ट फ्लाई इन टू स्पेस। यानी कि वेन याने कब उन्होंने पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाई याने पहली उड़ान भरी स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष के लिए उन्होंने पहली उड़ान कब भरी? तो बच्चों, इसका आंसर है सी फर्स्ट फ्लू इनटू, जब बच्चों डिड होता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उत्तर में यहाँ पे डिड हट गया है। जब डिड हट जाता है ना, तो जो वर्ब रहती है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम फ्लू बोलेंगे, ठीक है। फ्लाई का ही एक रूप है फ्लू, ठीक है। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है और फ्लू सेकेंड फॉर्म है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, सी फर्स्ट फ्लू इन टू स्पेस इन 1996 में। यानी कि उन्होंने अपनी पहली उड़ान, ये बच्चों स्पेस है, ठीक है, उन्होंने अपनी पहली उड़ान अंतरिक्ष में कब भरी? 1966 में। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर विथ कल्पना इन द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-87। हाउ मैनी यानी कितने मेंबर यानी सदस्य, उनके कितने सदस्य थे? कल्पना चावला की जो क्रू फ्लाइट थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है, देयर वर 6 मेंबर। कितने? 6 यानी 6 इन हर क्रू ऑफ फ्लाइट STS-87। सिर्फ बच्चों आपको यहाँ से लिखना है इसका, देयर वर 6 मेंबर्स, ठीक है, देयर वर 6 मेंबर, और फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इन
इन हर क्रू ऑफ फ्लाइट, ये लिखा है STS-87, ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा फिर आंसर में। तो चलिए बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। से वेदर द फ्लोविंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें जो ये कथन दिया गया है इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बनना है, ठीक है। तो पहला है कल्पना वांट वांटेड, कल्पना वांट यानी चाहना होता है या चाहती थी टू बिकम ए कंप्यूटर इंजीनियर। बताइए कल्पना चावला एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी, तो ये गलत है ना, नहीं चाहती थी वो। सेकंड लाइन है कल्पना चावला इज ए रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन गर्ल्स एंड वुमेन। तो कल्पना चावला एक रोल मॉडल है ना सभी के लिए, यंग यानी एक तरह से आप जवान, मतलब भारतीय की जो जवान लड़कियां हैं और औरत हैं, वुमेन यानी औरतें हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है। तो बिल्कुल सही है, तो इसको ट्रू कर लीजिएगा। JRD टाटा वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायर ऑफ कल्पना। तो अभी हमने ये आंसर में पढ़ा था कि कल्पना चावला जो थी वो JRD टाटा से इंस्पायर हुई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्पना डिड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984, यानी कि उन्होंने अपनी PhD कब, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984 यानी 1984 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, तो यह फाल्स होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया गया है देखिए बच्चों, एक्टिविटी सेकंड में राइट द अपोजिट, अपोजिट यानी होता है बच्चों विलोम शब्द यानी कि उल्टे, राइट यानी लिखना, विलोम शब्द लिखना है ऑफ द गिवन वर्ड इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए इनके हमें विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कल्पना चावला बोर्न यानी क्या होता है जन्म, ठीक है, बोर्न यानी क्या होता है जन्म, तो इसका बोर्न का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, डाइड, डाइड यानी मृत्यु, यानी कि इसमें हमें जन्म, इसको हम आप लिख लीजिए हिंदी में जन्म, और इसको बोलेंगे हम मृत्यु, ठीक है। तो जन्म का उल्टा क्या होगा, मृत्यु। ऐसे माय ग्रैंड मदर इज यंग, यंग यानी होती है जवान, तो यंग का ओल्ड यानी बूढ़ा, यंग यानी क्या होता है जवान होता है, ओल्ड यानी क्या होता है बूढ़ा, ठीक है। इसी तरह से ललित फेल्ट हिज, ललित फेल्ट इन हिज फ्रेंड्स कंपनी, तो अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल यानी जिसको हम आरामदायक महसूस ना कर सकें, तो इसका हो जाएगा कंफर्टेबल, बस इसमें से अन हटा देना, ठीक है। वो पूरी स्पेलिंग ऐसे लिख दो TABLE, ये पूरा ऐसा कैसा लिख लीजिएगा, इधर से भी अनकंफर्टेबल, इसमें से अन हटा देना, कंफर्टेबल इधर भर लीजिएगा। फोर्थ है गुड फ्रेंड्स इवनिंग, इवनिंग यानी शाम, तो यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगा, इवनिंग का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम, मॉर्निंग यानी सुबह। इस तरह से आप इनके अपोजिट यानी कि उल्टे शब्द भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट दिया गया है देखिए बच्चों, रीड द सेंटेंस प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। द वर्ड कंफर्टेबल हैज बिन फॉर्मेड बाय एडिंग एबल, यानी कि जो कंफर्टेबल शब्द है इसमें एड यानी जुड़ा हुआ है एबल, क्या जुड़ा हुआ है एबल जुड़ा हुआ है टू द वर्ड कंफर्ट, ठीक है, और ये वर्ड क्या है कंफर्ट है और इसमें एबल जुड़ा हुआ है, दिस वर्ड कंफर्टेबल, तो क्या बना है कंफर्टेबल बना है, मतलब कंफर्ट और एबल जुड़ के क्या बना है कंफर्टेबल जुड़ा है बना है। डिस्क्राइब समथिंग एंड इट कॉल इज एग्जेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे नाउ मेक मोर वर्ड्स बाय एडिंग एबल, यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं इनको आपको बनाना है और उसमें ऐड करना है एबल, ठीक है, पीछे शब्द में एबल ऐड करना है और राइट द मीनिंग और उनके मीनिंग लिखना है। तो देखिए बच्चों, आप इसको ऐड कर सकते हैं, मैं एक बता देती हूँ बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे रीड दिया गया है तो R R E A D
और ए बी एली, ठीक है, रीडेबल, फिर यहाँ पे इंजॉय, जे ओ वाई, ए बी एली, बस सब में बच्चों क्या लिखना है आपको, ए बी एल भरना है इस तरह से, चेंजेबल, जी ई ए बी एल ई, तो इस तरह से आप ये पूरे में भर लीजिएगा। तो बच्चों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, हो सकता है कल तक ही अपलोड कर दूँ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।